हेलो फ्रेंड्स, योगा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अश्वनी मुद्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। अश्वनी मुद्रा को हर कोई कर सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे युवा वर्ग है, क्योंकि ये मुद्रा बहुत ही आसान है, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं। अश्वनी मुद्रा को अश्वनी नाम घोड़े से दिया गया है, घोड़े को अश्व कहते हैं, इसीलिए इस मुद्रा का नाम भी अश्वनी है। जैसे कि आप घोड़े को देखते हैं, उसकी स्फूर्ति देखते हैं, उसकी वो शक्तिशाली है घोड़ा, बहुत वो कभी थकता नहीं है, इसलिए उसका उसके नाम पर इसको अश्वनी मुद्रा कहा गया है। अगर इस मुद्रा का अश्वनी मुद्रा का आप रोजाना नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको भी घोड़े जैसी स्फूर्ति और घोड़े जैसी सेहत प्राप्त होगी, इसलिए इसका नाम अश्वनी मुद्रा रखा गया है। इस अश्वनी मुद्रा को बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। अश्वनी मुद्रा कैसे करें उसको जानने से पहले चलिए हम ये जानते हैं कि अश्वनी मुद्रा के क्या क्या फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फायदा है बवासीर। बवासीर के लिए अश्वनी मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। अश्वनी मुद्रा के नियमित अभ्यास से आप गुदा द्वार यानी एनस से संबंधित सभी समस्याओं से बच सकते हैं, इसीलिए आपको इस मुद्रा का रोजाना अभ्यास करना चाहिए। अश्वनी मुद्रा से बवासीर के दर्द में भी आराम मिलता है। नंबर दो फ्रेंड्स, बार बार पेशाब आना। जिसको बार बार पेशाब यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है या बार बार पेशाब आने की समस्या है, अश्वनी मुद्रा के अभ्यास से बार बार पेशाब आने की समस्या या बिस्तर पर किसी का पेशाब निकल जाता है फ्रेंड्स, या खांसते छींकते हुए पेशाब का निकल जाना, या जिम या कार्डियो के समय जॉगिंग करते समय अगर किसी को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, तो इस मुद्रा से इन सभी चीजों से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसका नियमित अभ्यास करना होगा। पेट की समस्या फ्रेंड्स, अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, पेट में दर्द रहता है, पेट में जलन है, आपको गैस बनती है, अपच रहता है, तो भी आप इस मुद्रा का नियमित अभ्यास कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं अश्वनी मुद्रा कब करनी चाहिए। अश्वनी मुद्रा का अभ्यास रोज सुबह करना चाहिए, जो कि अधिक फायदेमंद है। इस मुद्रा का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। अगर आपके पास सुबह का समय आपके पास नहीं है, सुबह आप नहीं कर सकते हैं, तब आप इसको शाम के समय कर सकते हैं। लेकिन खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद आप अगर शाम को करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको लंच किए हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हों, तभी आप इस मुद्रा का प्रयोग कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, अश्वनी मुद्रा कैसे करें अब ये जानते हैं। पहले आप अपना एक मैट बिछा लीजिए। मैट पर सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए, जैसे कि आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से बैठ जाइए। जो लोग ऐसे फोल्ड करके नहीं बैठ सकते हैं, वो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, या बेड पे बैठ सकते हैं, या चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना है, आप कहीं भी बैठे हैं तो आपका गर्दन, कंधा, कमर, बिल्कुल आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधे बैठना है आपको। आप कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, आप ध्यान मुद्रा भी लगा सकते हैं, आप आदि मुद्रा भी लगा सकते हैं, किसी भी मुद्रा में आप बैठ जाइए। फिर अपने मन को शांत कीजिए, ब्रीथ को शांत कीजिए, आप गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, ताकि सांसों पे भी आपका कंट्रोल हो जाए, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए। सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए, गहरी सांस लीजिए छोड़िए, गहरी सांस लीजिए छोड़िए। जब आपका ध्यान सांसों पे केंद्रित हो जाए तो अपनी सामान्य सांसों को चलने दें, जैसे कि आप सांस लेते और छोड़ते हैं, अपनी जो सांसों को वो सामान्य होने दें, और जिस तरह से ब्रीदिंग आती है उस प्रोसेस को जारी रखिए। अब आपको क्या करना है, अपना ध्यान अपने गुदा द्वार पर लगाना है, मल द्वार पर लगाना है। बिना कोई जोर लगाए आपको गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है, फिर छोड़ना है, खींचना है और फिर छोड़ना है। गुदा द्वार यानी एनस, एनस को बार बार आपको सिकोड़ना है, छोड़ना है, सिकोड़ना है, छोड़ना है। जो लोग स्वस्थ हैं, जिनके नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको इस मल त्यागने की अवस्था में भी बैठ के कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपना ध्यान पूरा अपने एनएस पे लगाना है। एनएस को बहुत आराम से, आपको किसी बॉडी पे कोई प्रेशर नहीं देना, कोई ब्रीदिंग का इसमें नहीं है। अभी ये जो सबसे पहला आपको सिखा रही हूँ, पहला चरण, वो बहुत नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। बच्चे हैं तो ऐसे बैठ के कर सकते हैं। क्या करना है, अब सारा ध्यान अपने एनस पे केंद्रित कीजिए, उसको संकुचित कीजिए,
छोड़िए, संकुचित कीजिए छोड़िए, संकुचित कीजिए छोड़िए। इस प्रोसेस को आप 10 से 15 बार कीजिए। कुछ भी नहीं है, कहीं बॉडी में कोई फोर्स नहीं लगाना है, सिर्फ आपको संकुचन करना है छोड़ना है, संकुचन करना है छोड़ना है, संकुचन करना है छोड़ना है। इस आसान सी प्रक्रिया से आपको बवासीर में फायदा मिलेगा, आपको यूरिन लीकेज में फायदा मिलेगा, आपको पेट की सभी समस्याओं से फायदा मिलेगा, यहाँ तक कि आपकी बॉडी भी स्ट्रांग होगी। तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है, एनस को सिकोड़ना है, मल द्वार को सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए 10 से 15 बार सुबह शाम करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे तो इसका फर्क आप खुद देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं, 10 से 15 बार दोनों टाइम कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं आंतरिक कुंभक के साथ संकुचन। अभी हमने पहली प्रक्रिया क्या की है, सिर्फ अपने मल द्वार को, गुदा द्वार को संकुचित किया है, छोड़ा है, संकुचित किया है, छोड़ा है 10 से 15 बार सुबह शाम। अब हमें क्या करना है, सांसों को बिल्कुल रिलैक्स रख के और अपने मल द्वार को, गुदा द्वार को, या एनिस कह लीजिए, एनिस को संकुचित करते हुए, संकुचित करते हुए आपका जो पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स है, यूट्रस की मसल्स है, उसको भी संकुचन करते हुए और ब्रीथ को रोकना है। ठीक है, चलिए एक बार अभ्यास करते हैं। कैसे करते हैं, हमने मल द्वार को संकुचन किया, उसके बाद धीरे धीरे पेल्विक फ्लोर की मसल्स पे आए, यूट्रस की मसल्स पे आए, उसको संकुचित किया और ब्रीथ को होल्ड करके रखा। जब तक आप होल्ड कर सकते हैं, संकुचन करते हुए आपको होल्ड करके रखना है, उसके बाद धीरे 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 छोड़ना है, तो आपका ब्रीथ भी धीरे धीरे छूटेगा और जो आपने संकुचन किया है उसको भी धीरे धीरे फैलाना है। समझ गए, ये सेकेंड प्रोसेस से आपको क्या फायदा होने वाला है, जिसको यूट्रस में यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, खांसते छींकते हुए जिसको मतलब पेशाब निकल जाता है, तेज भाग रहा है किसी को तो पेशाब निकल जाता है, जो बिल्कुल यूरिन को रोक ही नहीं सकते हैं लेकिन नियमित अभ्यास से। चलिए फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे।